दोस्तों आज इस वीडियो में मैं ये बात करने वाला हूँ कि हमें डेटिंग एप्लीकेशन बनवाना चाहिए या फिर मैट्रिमोनी एप्लीकेशन या शादी डॉट कॉम, जीवन साथी डॉट कॉम, इस टाइप के एप्लीकेशन बनवाने चाहिए। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और एक्चुअली ये बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग टॉपिक है। ये ऐसे एप्लीकेशन की कैटेगरीज है ना जहाँ पे आपने एक बार एप्लीकेशन डेवलप कर दिया यहाँ पे अगर यूजर्स नहीं भी आए ना तो बॉट्स आपका काम कर देते हैं। मतलब यूजर्स आपके 1000 भी है वो 1000 कितना अन करके आपको दे सकते हैं आप सोच भी नहीं सकते हैं। ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग है दोनों ही टॉपिक, पर दोनों ही टॉपिक में डिफरेंस बहुत ज्यादा है। देखो काम तो दोनों ही एक ही कर रहे हैं, रिश्तों को मिलाते हैं। ठीक है, दो लव कपल्स को यहां पर मिलाया जाता है, लेकिन यहां पर प्रॉब्लम क्या है, डेटिंग वेबसाइट और मैट्रिमोनी जो वेबसाइट्स या एप्लीकेशन रहते हैं, इन दोनों में बहुत बड़ा एक डिफरेंस है। डिफरेंस कह लो या फिर ये बहुत बड़ा गैप कह लो, जिसे हम कहते हैं ट्रस्ट। डेटिंग एप्लीकेशंस पे हम लोग मोस्टली, आप सभी को पता है, टिंडर वगैरह ये जो फेमस है वहाँ पे लोग हुकअप्स वगैरह एंड मीटिंग्स डेटिंग्स करना, वो एक मतलब मान के चलो सीरियस रिलेशनशिप नहीं होती है। बट यहाँ पे जो मैट्रिमोनी वेबसाइट एप्लीकेशंस जो रहते हैं, जीवन साथी, शादी डॉट कॉम, यहाँ पे क्या होता है, सबके सब सीरियस रिलेशनशिप वाले रहते हैं। ठीक है, ये सबसे बड़ा गैप है। खैर आज आपको मैं इस वीडियो में ये बताने वाला हूँ, देखो दोनों ही अगर आप एप्लीकेशन बनाते हो तो यहाँ पे आपका अर्निंग दोनों में ही लगभग बराबर होती है। मोस्टली जहाँ पे लोग ज़्यादा सीरियस होते हैं वहाँ पे ज़्यादा होती है। ठीक है, लेकिन जहाँ पे लोग सीरियस नहीं है वहाँ पे भी हो ही जाती है, क्योंकि वहाँ पे फालतू के लोग बहुत ज़्यादा भरे पड़े रहते हैं, वो फालतू के लोग फालतू के पैसे बहुत ज्यादा खर्च कर देते हैं। ठीक है, तो ये दोस्तों बात करते हैं इन दोनों एप्लीकेशन के डिफरेंस के बारे में। जैसे कि आप सभी ने थंबनेल में पढ़ लिया कि हमें डेटिंग एप्लीकेशन बनाना चाहिए या फिर मैट्रिमोनी एप्लीकेशन बनाना चाहिए, दोनों की सबसे पहले हम कॉस्ट के बारे में बात करेंगे कि दोनों का डेवलपमेंट कॉस्ट क्या रहता है। देखो दोस्तों, अगर हम दोनों की डेवलपमेंट कॉस्ट की बात करें तो लगभग दोनों में सेम ही है। अगर आप रिक्वायरमेंट, मतलब जैसे आजकल मार्केट में चल रहे हैं वैसा अगर आप एक एप्लीकेशन बनवा लेते हो किसी भी कैटेगरी का, मतलब दोनों कैटेगरी की बात कर रहा हूं, तो कॉस्ट लगभग सेम आएगी, 1.5 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख तक, डिपेंड ऑन योर रिक्वायरमेंट कि कितनी आपकी रिक्वायरमेंट है। बहुत बेसिक रिक्वायरमेंट है तो 1.5 लाख से स्टार्ट हो सकती है, जो कि 5 लाख 10 लाख तक भी जा सकती है, क्योंकि जितने ज्यादा बढ़ाओगे फंक्शनैलिटी को उतना ज्यादा आपका कॉस्ट बढ़ेगा। तो कॉस्ट में कोई डिफरेंस नहीं आएगा आपको। ठीक है, दोनों में लगभग सेम पड़ेगा आपका कॉस्ट। अब बात करते हैं दोस्तों दोनों के रेवेन्यू मॉडल या फिर मोनेटाइजेशन मॉडल की, ये दोनों जो एप्लीकेशन हैं ये किस तरीके से पैसा कमाते हैं। डेटिंग एप्लीकेशन है दोस्तों, यहाँ पे आपको, मतलब यहाँ पे कह लीजिए या फिर आप ये जो दूसरा ऑप्शन है हमारा मैट्रिमोनी एप्लीकेशन, जहाँ पे या शादी डॉट कॉम, जीवन साथी डॉट कॉम जैसे इस टाइप के जो एप्लीकेशन रहते हैं, दोनों का सबसे बड़ा जो मोनेटाइजेशन मॉडल है वो ये है कि वो डेटा शेयर करने का पैसा लेते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप टिंडर पे भी कोई आपको पसंद आ रहा है तो वहां पे भी अगर आपको उससे चैट करनी है या उसका कॉन्टैक्ट नंबर लेना है तो वहां पे सम अमाउंट उनका सब्सक्रिप्शन पैक आपको लेना पड़ेगा। ठीक है, वही चीज यहां पे भी है। यहां पे भी अगर आपको डेटा चाहिए जिसको आप लाइक करते हो या जो आपको लग रहा है कि इसकी प्रोफाइल, जिसकी प्रोफाइल आपको अच्छी लग रही है, सो यहां पे भी आपको सेम अमाउंट पे करना पड़ेगा। ठीक है, मतलब सब्सक्रिप्शन प्लान लेना पड़ेगा। डेटा शेयर करने का ये लोग पैसा लेते हैं, ये इनका फर्स्ट मोनेटाइजेशन मॉडल है। ठीक है, मतलब इससे ये लोग पैसा कमाते हैं। दूसरे मोनेटाइजेशन मॉडल की बात की जाए तो वहां पे ये लोग मतलब एडवर्टीजमेंट भी अपने इन्होंने एप्लीकेशन में डाल के रखे, तो एडवर्टीजमेंट के थ्रू ये अलग से पैसा कमाते हैं। तीसरा जो ये प्रोफाइल, मतलब जो जीवन साथी या फिर शादी डॉट कॉम जैसे जो एप्लीकेशन रहते हैं, यहाँ पे ई एडवांटेज या फिर एक पर्सनल असिस्टेंट आपको मिल जाता है जो आपको प्रोफाइल, अच्छी प्रोफाइल चूज करने में हेल्प करता है। वही चीज टिंडर ने भी कर दिया, बस उसका नाम बूस्टिंग कर दिया कि अगर आप अपने प्रोफाइल को बूस्ट करते हो तो आपको स्ट्रांग या फिर अच्छे अच्छे प्रोफाइल्स वो दिखाता है। तो चीजें दोनों सेम कर रहे हैं, बस तरीका अलग है। दोनों में पैसा अगर कमाने की बात की जाए तो दोनों में लगभग आप सेम ही पैसा कमाओगे, क्योंकि यहां पे फालतू के लोग ज्यादा भरे पड़े हैं तो फालतू के लोग फालतू का पैसा खर्च ज्यादा कर देते हैं, और यहां पे सीरियस लोग हैं तो सीरियस लोग कभी ऐसा, मतलब ऑब्वियसली पैसा पे करेंगे ही, बट चीजें मतलब जो उनको जेन्युइन लगता है, और वहां पे यूजर्स जेन्युइन रहते हैं, यहां पे बहुत फेक प्रोफाइल्स रहते हैं टिंडर वगैरह या फिर कभी भी डेटिंग एप्लीकेशंस पे। ठीक है, थर्ड अब बात करते हैं दोस्तों ट्रस्ट के ऊपर। तो ट्रस्ट और जो फेक स्पैम ये सारी चीजें डेटिंग एप्लीकेशन में ज्यादा होती है, हालांकि ऐसे मैट्रिमोनी वेबसाइट, मैट्रिमोनी एप्लीकेशन पे भी होती है पर कम होती है, क्योंकि यहाँ पे सीरियस यूजर ज्यादा होते हैं, यहाँ पे सीरियस यूजर कम होते हैं। और यही जो थर्ड पॉइंट है ना, यही सबसे बड़ा गैप है ताकि मतलब आप एक राइट डिसीजन ले सको दोनों एप्लीकेशन को बनाने में। तो देखो दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ एक्चुअली क्या है ना, अनमैरिड या जिनको ज्यादा टाइम पास करना होता है उनकी संख्या ज्यादा है हमारे इंडिया में। जो मैरिड है वो भी टिंडर वगैरह यूज करते हैं, वो भी चाहते हैं हुकअप्स वगैरह करना, वो भी चाहते हैं किसी और से चैटिंग करना। तो यहाँ पे इस एप्लीकेशन की ग्रोथ बहुत ज्यादा है, डेटिंग एप्लीकेशन की। वो सिर्फ नंबर शेयर करने का इतना ज्यादा आपसे पैसा ले लेते हैं, प्लस ऐसे फालतू के लोग बहुत भरे पड़े हैं जिनको ये सारी चीजें करनी होती है। तो मैं सजेशन दूंगा कि आप एक डेटिंग एप्लीकेशन बनाओ, पर अगर
आप बॉट्स वगैरह डाल रहे हो, फेक स्पैम प्रोफाइल आपके ज्यादा हैं, तो यहाँ पे ट्रस्ट आपको, मतलब अच्छे यूजर्स आने के बाद भी आप इसको लंबे समय तक नहीं चला पाओगे। ऐसे एप्लीकेशन ज्यादा लंबे समय तक नहीं चलते, ज्यादा ज्यादा एक साल, दो साल, तीन साल, जहां पे ट्रस्ट उनका खत्म हुआ, जहां पर उनका काम हुआ वहीं पर वो छोड़ भी देते हैं। यहाँ पे क्या, यहाँ पे सीरियस यूजर रहते हैं, ये लंबे समय तक चलता है। सिर्फ ज्यादा पैसा कमाना है तो आप वहां पर जा सकते हो, लेकिन लॉन्ग टर्म तक पैसिव इनकम कमाना है तो मैं आपको ये बोलूंगा कि आप मैट्रिमोनी वेबसाइट, मैट्रिमोनी एप्लीकेशन की तरफ माइग्रेट हो जाओ। देखो दोस्तों, ये वीडियो बनाने का मेरा इंटेंशन ये था कि मैं आप दोनों को, इन दोनों एप्लीकेशन के बीच का डिफरेंस बता सकूं, क्योंकि कुछ मेरे सब्सक्राइबर बहुत कंफ्यूज थे कि ऑब्वियसली मैंने इसके पहले एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने डेटा शेयर के बारे में बताया था कि आप डेटा शेयरिंग करके भी अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो, सिर्फ एक नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर शेयर करके आप अच्छा खासा अर्निंग कर सकते हो। उसके ऊपर काफी कमेंट्स आए थे और मुझे एक पर्सनली कॉल भी आया था कि इन दोनों के बीच का डिफरेंस बताओ ताकि हम इन दोनों के बीच में किसी एक एप्लीकेशन को चूज कर सकें और हम डेवलप कर सकें। क्योंकि यहां पर क्या, देखो दोस्तों, पैसा लोग क्या करते हैं एप्लीकेशन में, आप वो मत देखो, आपको वहां से बेनिफिट मिल रहा है ये भी आपको देखना है। ठीक है, यूजर्स अगर आपके लंबे समय तक बन रहे हैं, मतलब एक अच्छे लेवल पे आपके यूजर्स जा रहे हैं, सही है, फेक फ्रॉड स्कैम नहीं हो रहा है वहां पे, तब तो ठीक है। एक शॉर्ट टर्म के लिए पैसा कमाने के लिए ठीक है डेटिंग एप्लीकेशन, पर अगर एक सीरियस वे में पैसिव इनकम ज्यादा कमाना है तो मैं आपको ज्यादा सजेस्ट करूंगा कि आप मैट्रिमोनी वेबसाइट या फिर मैट्रिमोनी एप्लीकेशन बना लीजिए। आई दोस्तों आपको इन दोनों के बीच का डिफरेंस पता चल गया होगा, और अगर पता चल गया तो आप अपने फ्रेंड्स को शेयर कर सकते हो जो ऐसे एप्लीकेशन बनाने में इंटरेस्टेड रहते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, इससे रिलेटेड अगर आपको कुछ भी जानना है तो मुझे भी कॉल कर सकते हो। मिलता है दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।